किसानों ने एक बार फिर दिल्ली कुछ किया है, केंद्र सरकार बातचीत के लिए तैयार है, आप इस आंदोलन को कुछ देखते हैं? देखिए, किसानों के आंदोलन की जो मांग है, MSP की कानून केसेस को वापस लो, हमारे जो लोन के है लोन वेवर करो, ये तमाम जो मांगे हैं, उस समय जब 2 साल पहले या 2.5 साल पहले जब किसानों ने अपने आंदोलन को वापस किया और सरकार ने 3 कानूनों को वापस किया, रद्द नहीं किया, वापस किया, रद्द नहीं हुए वो कानून, नोटिफिकेशन नहीं हुआ रद्द करने की, या पार्लियामेंट में रद्द नहीं करवाया, तो वो कानून अभी भी तलवार के जैसे है किसानों के सिर के ऊपर। तो जब किसानों ने देखा कि ये कुछ हो ही नहीं रहा है और मोदी जी की गारंटी 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 ही चल रहा है, तो ये भी गारंटी कर लीजिए आप, तो एक किसानों का एक हिस्सा दिल्ली आ रहे हैं, बाकी जो किसानों का बड़ा जो संयुक्त किसान मोर्चा है और जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन है, उनका 16 तारीख को है। तो अभी ये सरकार उसके बीच कह रही कि हम बातचीत करेंगे, तो वो ये चाह रहे कि जो 16 तारीख का जो बड़ा आंदोलन होने वाला है वो भी रुक जाए। लेकिन किसान बोल रहे हैं कि हम तो मान नहीं रहे आपकी बात, क्योंकि आप हमारी बात नहीं मान रहे हैं, आपने यहाँ सीमेंट बैरिकेड लगा लिया, और कल आपने छवि देखी होगी कि ड्रोन को इस्तेमाल करके टियर गैस की शेल किसानों पर फेंक रहे हैं। किसान हमारे अन्नदाता है या किसान हमारे देश की दुश्मन है? आप दुश्मन जैसे आप उनको मानकर ड्रोन को इस्तेमाल करके टियर गैस शेल्स, तो कौन मान सकता है? तो इसलिए आंदोलन है, आंदोलन चलेगा 16 तारीख को भी, यहाँ झारखंड में भी, यहाँ संयुक्त किसान मोर्चा और ट्रेड यूनियन ने ये नारा दिया है, आप देखेंगे उसका असर देश भर में, आप असर देखेंगे। तो इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि अभी तक किसानों की बात और किसानों की मुद्दों को लेकर ये सरकार ने ज़बरदस्त धोखा दिया। हम किसानों की पूरे तौर पर मांगों की समर्थन करते हैं। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।